Very good afternoon to all the participants of this webinar. We are doing second schedule of the Income Tax Act. And in second schedule, we are starting with part four of the second schedule today in this webinar. And the part four starts with Rule 69 of the second schedule. पार्ट फोर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर के बारे में है। जब भी हम कोई प्रॉपर्टी को अटैच या सेल करते हैं तो जब प्रॉपर्टी अटैच होती है या प्रॉपर्टी के अटैचमेंट और सेल की एक्सरसाइज की जाती है तो कभी कभी असेसी के बिजनेस या असेसी के एसेट्स के लिए रिसीवर भी अपॉइंट किया जा सकता है। और जैसा आपने देखा था जो चार मोड्स थे जिन चार मोड से रिकवरी टीआरओ करते हैं उनमें से एक मोड ये भी है कि वो असेसी की प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए रिसीवर का अपॉइंटमेंट करेंगे, उसकी नियुक्ति करेंगे। इस तीसरे मोड के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि हमने देखा था ये जो चार मोड्स थे सेक्शन 222 में भी लिखे हुए हैं और सेक्शन रूल चार में भी हैं सेकंड शेड्यूल के। और सेकंड शेड्यूल के रूल चार में चार मोड्स जो चार तरीके हैं जिस तरीके से टैक्स रिकवरी ऑफिसर कैन प्रोसीड टू रिकवर या प्रोसीड टू रियलाइज द टैक्स अमाउंट, वो चार तरीके हैं मूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल, इमूवेबल प्रॉपर्टी का अटैचमेंट एंड सेल, डिफॉल्टर का अरेस्ट और उसका प्रिजन में डिटेंशन, और रिसीवर का अपॉइंट किया जाना डिफॉल्टर की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने के लिए। ये मोड्स हैं जिन तरीकों से कोई भी जो टीआरओ हैं ही कैन प्रोसीड टू रियलाइज द टैक्सेस। इसमें 16 कि वे द प्रॉपर्टी ऑफ ए डिफॉल्टर कंसिस्ट ऑफ ए बिजनेस, जहां पे डिफॉल्टर की प्रॉपर्टी का पार्ट एक बिजनेस है, द टीआरओ में अटैच द बिजनेस, टीआरओ उस बिजनेस को अटैच कर सकते हैं एंड अपॉइंट अ पर्सन, और एक पर्सन का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एज रिसीवर, रिसीवर के रूप में टू मैनेज द बिजनेस। बिजनेस को मैनेज करने के लिए वो एक रिसीवर का अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो यहां पे अटैचमेंट प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही है, यहां पे बिजनेस को अटैच करने की बात हो रही है। 69(2) में कहा जा रहा है अटैचमेंट ऑफ ए बिजनेस अंडर दिस रूल शैल बी मेड बाय एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग द डिफॉल्टर फ्रॉम ट्रांसफरिंग और चार्जिंग द बिजनेस in any way and prohibiting all the persons from taking under such transfer or charge and intimating that business has been attached under this rule. ये जो business का attachment है ये किस प्रक्रिया के द्वारा किया जाता है? जो business का attachment है इस rule के तहत एक ऑर्डर के द्वारा किया जाता है, शैल बी मेड बाय एन ऑर्डर, और उस ऑर्डर में क्या लिखा होता है? बिजनेस को अटैच करने के लिए ऑर्डर में ये लिखा होगा कि डिफॉल्टर को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि वो उस बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर करे, डिफॉल्टर को प्रोहिबिट किया जा रहा है कि उस बिजनेस को वो किसी भी प्रकार से चार्ज करे, चार्ज करें नहीं उसके अगेंस्ट लोन ले ले या उसको मोर्टगेज कर दे या कुछ की और तरीके से उसको प्रतिभारित करे किसी भी प्रकार से, इन एनी वे। डिफॉल्टर प्रोहिबिटेड होता है बिजनेस को ट्रांसफर या चार्ज करने से। और उसके अलावा उस ऑर्डर में ये भी लिखा होता है कि ऑल द पर्सन्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम टेकिंग एनी बेनिफिट अंडर सच ट्रांसफर और चार्ज। जिनको बिजनेस ट्रांसफर किया जा रहा है या चार्ज के जो प्रतिभागी बन रहे हैं
या जिनके फेवर में चार्ज किया जा रहा है वो भी कोई बेनिफिट उस बिजनेस से नहीं लेंगे, उनको भी प्रोहिबिट किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति उस बिजनेस से बेनिफिट नहीं लेगा ऐसे ट्रांसफर या ऐसे या इस प्रकार के किसी चार्ज के संबंध में या उसके अंतर्गत। तो यानी कि जो डिफॉल्टर है वो उस बिजनेस को ना तो ट्रांसफर कर सकता है ना चार्ज कर सकता है किसी तरीके से, और जो और बाकी जो पर्सन्स हैं यानी सारे पर्सन्स कोई भी उस चार्ज या ट्रांसफर के तहत बेनिफिट नहीं उठा सकता। एंड इस ऑर्डर के द्वारा ये इंटीमेट किया जाएगा कि बिजनेस को अटैच कर लिया गया रहा है इस रूल के तहत। अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट शैल बी सर्व्ड ऑन द डिफॉल्टर, इस अटैचमेंट के ऑर्डर की एक कॉपी डिफॉल्टर पर सर्व कर दी जाएगी। एंड अनदर कॉपी शैल बी अफिक्स्ड ऑन अ कंस्पिकुअस पार्ट ऑफ द प्रीमाइसेस, और एक और कॉपी को उस प्रीमाइसेस के कंस्पिकुअस पार्ट पे चस्पा कर दिया जाएगा। इन विच द बिजनेस इज कैरिड ऑन, जिस प्रीमाइसेस में जिस बिल्डिंग में वो बिजनेस चलाया जा रहा है। एंड ऑन द नोटिस बोर्ड ऑफ द ऑफिस ऑफ द TRO, और एक कॉपी को अटैचमेंट की अटैचमेंट ऑफ बिजनेस की एक कॉपी को TRO के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा कर दिया जाएगा। यानी एक कॉपी लगानी है कंस्पिकुअस पार्ट पर उस प्रीमाइसेस के जहां पे वो बिजनेस चलाया जा रहा है, और एक कॉपी लगानी है TRO के ऑफिस के नोटिस बोर्ड पर। उसके बाद है 70, वेयर इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अटैच्ड, जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाता है। TRO में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग अ सेल ऑफ द प्रॉपर्टी, इसके बजाय कि TRO उस प्रॉपर्टी का सेल का डायरेक्शन दें, इसके बजाय वो ये भी कर सकते हैं अपॉइंट अ पर्सन एज रिसीवर, किसी पर्सन को उस प्रॉपर्टी का रिसीवर अपॉइंट कर सकते हैं टू मैनेज दिस प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट के लिए। यानी प्रॉपर्टी जो अटैच कर ली उसको मैनेज करना भी ज़रूरी है। तो सेल नहीं भी कर रहे तो प्रॉपर्टी को मैनेज करने से कई बार क्या होता है कि जो भी रेवेन्यू चाहिए जो टैक्स चाहिए वो उसको मैनेज करने से जैसे ऐसे आता जाएगा रेवेन्यू, हम टैक्स के लिए उसको एडजस्ट करते जाएंगे। उसके बाद पावर ऑफ रिसीवर, रिसीवर का के पास क्या शक्तियाँ होती हैं जो कि सेकेंड शेड्यूल में उसको प्रोवाइड की जा रही हैं। 71 says that where any business or other property is attached, जहाँ पर कोई भी बिजनेस या कोई दूसरी प्रॉपर्टी अटैच की जाती है, एंड टेकन अंडर मैनेजमेंट, और उसको मैनेजमेंट के अंतर्गत ले लिया जाता है अंडर द फोरगोइंग रूल्स, इसके पहले जो रूल्स आए उसके अंतर्गत अगर ले लिया जाता है, द रिसीवर शैल सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द TRO हैव सच पावर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ऐसे कंडीशन में जो रिसीवर है सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द TRO के नियंत्रण के अधीन, उसके पास वो पावर्स होंगे जो जरूरी होंगे उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर मैनेजमेंट के लिए। एंड द रियलाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स, और प्रॉफिट्स के को रियलाइज करने के लिए जो भी जरूरी होंगे वो पावर्स वो उनके पास होंगे, या रेंट्स एंड प्रॉफिट्स देयर ऑफ, या उसके रेंट्स या प्रॉफिट्स को रियलाइज करने के लिए, प्रॉफिट्स और रेंट्स और प्रॉफिट्स, रेंट्स एंड प्रॉफिट्स उनको रियलाइज करने के लिए TRO के पास वो सब पावर्स होंगे जो जरूरी होते हैं। एक तो प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए पावर्स जो हैं, और जो भी प्रॉफिट्स या रेंट और प्रॉफिट्स को रियलाइज करने के पावर्स हैं वो भी होंगे। यानी TRO रियलाइज कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी से उसका रेंट जो भी आ रहा है उसके पास, और जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो भी वो रियलाइज कर सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी का प्रॉपर मैनेजमेंट कर सकते हैं। उनके पास ये पावर होगा कि उस प्रॉपर्टी को प्रॉपरली मैनेज करें। 71.2, द प्रॉफिट्स और रेंट्स एंड प्रॉफिट्स ऑफ सच बिजनेस और दैट और अदर प्रॉपर्टी शैल आफ्टर डिफरिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द मैनेजमेंट, उस प्रॉपर्टी के मैनेजमेंट पे जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको डिफ्रे करके यानी उनको खर्चा करके जो उसके अलावा जो रेंट या प्रॉफिट बचता है
वो एडजस्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ एरियर्स, एरियर्स के डिस्चार्ज की तरफ एडजस्ट कर दिया जाएगा, एंड द बैलेंस इफ एनी शैल बी पेड टू द डिफॉल्टर, और अगर कोई बैलेंस बचेगा तो वो डिफॉल्टर को पे कर दिया जाएगा। तो ये जो पावर है रिसीवर अपॉइंट करने का, रिसीवर को एक बार अपॉइंट कर दिया जाता है तो रिसीवर ये मैनेज कर सकता है प्रॉपर्टी को, और उसमें से प्रॉफिट्स और रेंट्स रियलाइज कर सकता है, और करके वो उसको एडजस्ट कर सकता है मैनेजमेंट के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, और उसके बाद एरियर्स को डिस्चार्ज करने, और जो बैलेंस है जो बची हुई राशि है वो डिफॉल्टर को पे कर सकता है। और 72 में कहा जा रहा है कि विड्रॉल ऑफ मैनेजमेंट, द अटैचमेंट एंड मैनेजमेंट अंडर द फॉलोइंग रूल्स मे बी विड्रॉल, जो भी अटैचमेंट है और जो मैनेजमेंट है इसके पहले के रूल्स के अंतर्गत वो विड्रॉ किया जा सकता है एट एनी टाइम, इसी भी वक्त, एट द डिस्क्रिशन ऑफ द टीआरओ, टीआरओ के डिस्क्रिशन में जो भी अटैचमेंट या मैनेजमेंट किया जा रहा है फॉरगोइंग रूल्स में उसको विड्रॉ किया जा सकता है, और इफ द एरियर्स आर डिस्चार्ज बाय रिसीट ऑफ सच प्रॉफिट्स एंड रेंट्स और अदरवाइज पेड, और अगर एरियर्स डिस्चार्ज हो जाते हैं तो भी ये विड्रॉ किया जा सकता है। इफ द एरियर्स आर डिस्चार्ज बाय रिसीट ऑफ सच प्रॉफिट एंड रेंट्स, प्रॉफिट और रेंट्स प्राप्त करके अगर एरियर्स डिस्चार्ज हो जाते हैं या अदरवाइज उनका पेमेंट कर दिया जाता है तो भी ये जो अटैचमेंट है बिजनेस का या जो मैनेजमेंट है बिजनेस का जो भी इसके पहले के रूल्स में दिया गया है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। और इसमें ये बात है कि अगर एरियर्स डिस्चार्ज हो गए तो विड्रॉ करना ही पड़ेगा। उसके बाद पार्ट 5 है, अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर, डिफॉल्टर को अरेस्ट करना और उसको डिटेन कर दे, नोटिस टू शो कॉज। 73(1) में कहा जा रहा है, नो ऑर्डर फॉर द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सिविल प्रिजन ऑफ ए डिफॉल्टर शैल बी मेड, सिविल प्रिजन में अरेस्ट या डिटेंशन करने का किसी भी डिफॉल्टर को कोई भी ऑर्डर नहीं किया जा सकता, अनलेस द टीआरओ हैज इशूड एंड सर्व्ड अ नोटिस, जब तक कि ऐसा ना हो कि टीआरओ ने इशू किया है या सर्व किया है एक नोटिस डिफॉल्टर के ऊपर। सबसे पहले एक नोटिस इशू करना होगा डिफॉल्टर पे, कॉलिंग अपॉन हिम टू अपियर बिफोर हिम, उनको बुला के कि वो उनके सामने अपियर हो ऑन द डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस, जो भी तारीख नोटिस में स्पेसिफाइड की गई है उस तारीख को वो अपियर हो, एंड टू शो कॉज, और ये कारण शो करें कि वाई ही शुड नॉट बी कमिटेड टू द सिविल प्रिजन, क्यों उनको सिविल प्रिजन में क्यों नहीं कमिट कर देना चाहिए, एंड अनलेस द टैक्स टीआरओ फॉर रीजंस रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड, और जब तक कि ऐसा ना हो कि टीआरओ रिकॉर्ड करे रीजंस और रीजंस रिकॉर्ड करें और वो सेटिस्फाई हों उन रीजंस की वजह से जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो, कि डिफॉल्टर that the defaulter with the object or effect of obstructing the execution of the certificate has after the drawing up of the certificate by the TRO dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property, or that the defaulter has or has had since the drawing up of the certificate by the TRO the means to pay the arrears or some substantial part thereof and refuses or neglects or has refused or neglected to pay the same. तो ये सेटिस्फैक्शन जब तक नहीं होता है, एंड अनलेस द टीआरओ फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इज सेटिस्फाइड, अगर ये सेटिस्फैक्शन है और रीजंस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं तो जब तक कि ऐसे सेटिस्फैक्शन ना हो तब तक कोई ऑर्डर जो है अरेस्ट का डिटेंशन का नहीं किया जाएगा। तो इसको थोड़ा सा नेगेटिव टर्म्स में काउच किया गया है, यानी कि अगर इसको पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो अगर इस बातों से सेटिस्फाइड हैं डीआरओ तो वो अरेस्ट या डिटेंशन कर सकते हैं, लेकिन अगर इन बातों से सेटिस्फाइड नहीं हैं तो अरेस्ट या डिटेंशन का कोई भी ऑर्डर वो नहीं कर सकते।
टीआरओ। तो टीआरओ को सबसे पहले अपना सेटिस्फैक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा रीजंस के साथ, और उसमें सेटिस्फैक्शन इस बात का होना चाहिए कि इस उद्देश्य से डिफॉल्टर ने विद द ऑब्जेक्ट यानी उस उद्देश्य से या जो भी उसने काम करा उसका असर ये था कि सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को उसने ऑब्स्ट्रक्ट किया, उस पर बाधा डाली, और ऐसा करने के पर्पस से विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट को ड्रॉप करने के बाद उसने डिसऑनेस्टली ट्रांसफ़र कर दिया है या छुपा लिया है या हटा दिया है प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को। पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, कि सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करना है, और या उसका असर ये है जो भी उसने किया उसका असर ये है कि सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, क्योंकि जो काम उसने किया वो था ट्रांसफ़र करना, कंसील करना, रिमूवल कर देना कोई भी पार्ट प्रॉपर्टी। अब अगर वो कहता है कि साहब मैंने जान पूछ के नहीं किया, तो इफेक्ट वर्ड इसलिए यूज़ किया गया, जो भी उसने किया उसका असर अगर ये है कि सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, यानी कोई भी कृत्य करने से पहले उसको सोचना ज़रूरी है कि इससे कोई सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट तो नहीं हो रहा, और दूसरा वो कृत्य जो है डिसऑनेस्ट भी होना चाहिए। एक तो उसकी मंशा होनी चाहिए कि सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन ऑब्स्ट्रक्ट हो, दूसरा वहाँ पर एक डिसऑनेस्टी भी होनी चाहिए कि जो डिफॉल्टर है उसने डिसऑनेस्टली यानी बेईमानी से या तो ट्रांसफ़र कर लिया या रिमूव कर दिया प्रॉपर्टी के किसी भी पार्ट को। और बी में कहा गया है कि डिफॉल्टर हैज़ और हैज़ हैड सिंस द ड्राइंग अप ऑफ द सर्टिफिकेट बाय द टीआरओ द मीन्स टू पे द एरियर्स। डिफॉल्टर के पास जब से सर्टिफिकेट ड्रॉ हुआ था उसके पास एरियर पे करने के लिए संसाधन थे, उसके पास मीन्स थे, और सम सब्सटेंशियल पार्ट देयर ऑफ, और मीन्स का एक सब्सटेंशियल पार्ट था उसके पास, या सब्सटेंशियल पार्ट जो एरियस का था उसका पे करने के लिए मीन्स थे, यानी काफ़ी बड़ा हिस्सा वो पे कर सकता था एरियस का, या पूरा एरिया के लिए उसके पास मीन्स थे, और फिर भी वो मना कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है या फिर एंड रिफ्यूजेस और निग्लेक्ट्स और हैज रिफ्यूज्ड, या तो मना कर रहा है या रिफ्यूज कर रहा है, या उसने मना कर दिया है या निग्लेक्ट कर दिया गया है किया है उसने पे करने से। मीन्स होने के बावजूद, संसाधन होने के बावजूद वो जो टैक्स के एरियर्स हैं उनको पे नहीं कर रहा, तो ऐसे कंडीशन में जहां वो या तो डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को हटा देता है, ट्रांसफर कर देता है, कंसील कर देता है, और इस बात से सेटिस्फाइड है टीआरओ, जो ये सेटिस्फैक्शन है ये सब्सटेंशियल सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, मतलब मोर देन 50% इसको कहते हैं, प्रिपोंडरेंस ऑफ प्रॉबिलिटी के द्वारा ये साबित होना चाहिए, संभावनाओं की बहुतायत से स्थापित होना चाहिए सेटिस्फैक्शन, कि जो डिफॉल्टर है उसके पास साधन भी है लेकिन फिर भी मना कर रहा है या निग्लेक्ट कर रहा है पेमेंट, और या उसने प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ट्रांसफर कंसील या रिमूव कर दिया या उसके किसी पार्ट को। दो है 73(2), नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबरूल 1, सबरूल 1 में कुछ भी लिखा हो उसको नज़रअंदाज करते हुए, अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर मे बी इशू, डिफॉल्टर के अरेस्ट के लिए एक वारंट इशू किया जा सकता है बाय द टीआरओ के द्वारा, इफ द टीआरओ इज सेटिस्फाइड, अगर टीआरओ संतुष्ट हैं बाय एफिडेविट और अदरवाइज, या तो एफिडेविट के द्वारा या वैसे ही संतुष्ट हैं, दैट विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट द डिफॉल्टर इज लाइकली टू एब्सकॉन्ड, अगर उनको ये सेटिस्फैक्शन है एफिडेविट के द्वारा या वैसे भी कि डिफॉल्टर की संभावना है कि वो एब्सकॉन्ड करेगा या भाग जाएगा या लीव द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिसडिक्शन, या जो स्थानीय लिमिट्स हैं टीआरओ के ज्यूरिसडिक्शन की उनको छोड़ के बाहर चला जाएगा, वो किस लिए चला जाएगा, ऑब्जेक्ट उसका उद्देश्य या उसके कार्य का असर है वो ये है कि वो सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को वो डिले करे,
अगर सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए वो एब्सकॉन्ड करता है। एब्सकॉन्ड करना, एब्सकॉन्ड मतलब यह है कि कोई सामने चीज है उससे भागना, यानी वो उसको जानकारी है कि उसको पेमेंट करना है और फिर भी वो एब्सकॉन्ड कर रहा है, भगोड़ा हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक डिसऑनेस्टी शामिल है, एब्सकॉन्ड करने में भी एक डिसऑनेस्टी शामिल है, क्योंकि तो उसका ऑब्जेक्ट है कि सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को मैं डिले करूंगा। इवन डिले के लिए भी, ऐसा नहीं कि केवल जैसे 73(1) में था कि वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा था एग्जीक्यूशन को, बिल्कुल बाधा लगा रहा था उसको, या वो साफ साफ मना कर रहा था कि मैं नहीं दूंगा, या निग्लेक्ट कर रहा था। 73(2) में कहा जा रहा है कि भले ही वो लाइकली है, संभावना है उसके एब्सकॉन्ड करने की, एब्सकॉन्ड करा नहीं है अभी, संभावना है उसके एब्सकॉन्ड करने की, और मंशा ये है कि वो डिले करेगा। सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को डिले करने के लिए भी एक वारंट ऑफ अरेस्ट जो है, वो भागने, क्योंकि तो वो भागने की कोशिश कर रहा है और संभावना है कि वो भागेगा और लोकल या फिर लोकल लिमिट्स को छोड़ के बाहर चला जाएगा। तो जो भी वारंट है, एक वारंट पास अरेस्ट का इशू किया जा सकता है टीआरओ के द्वारा। और ये बात एक में जो भी बातें लिखी उनको मद्देनजर ना रखते हुए भी इशू किया जा सकता है, केवल इस बात के गलती के लिए भी कि सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को डिले करने, डिले ही कर रहा है, जो आदमी दूर चला गया, आ नहीं रहा, भाग रहा है, सोच रहा है मैं बाद में आऊंगा, और इस तरह से वो डिले कर रहा है। तो डिले के लिए भी अरेस्ट का वारंट इशू किया जा सकता है टीआरओ के द्वारा। वेयर द अपियरेंस इज नॉट मेड इन ऑबीडियंस टू अ नोटिस इशूड एंड सर्व्ड अंडर रूल्स ऑफ रूल वन। जब सब रूल वन में कोई नोटिस दिया जाता है, क्योंकि सब रूल वन में एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस हैज बीन सर्व्ड अपॉन द डिफॉल्टर कॉलिंग अपॉन हिम टू अपियर बिफोर हिम, इसको कहते हुए कि मेरे सामने समक्ष आइए, उस डेट को जो स्पेसिफाई की जा रही है नोटिस में, और शो करिए कॉज कि आपको सिविल प्रिजन में कर दिया जाए। तो ये जो नोटिस दिया जाता है डिफॉल्टर को, इसके संबंध में ये बात कही जा रही है कि जहां पर भी उस नोटिस के ओबीडियंस में अपियरेंस वो नहीं करता, जो नोटिस को इशू और सर्व भी कर दिया गया था सब रूल वन में, टीआरओ में इशू अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर, तो उस केस में भी टीआरओ वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकते हैं डिफॉल्टर के लिए। तो इसमें दो तरह की प्रक्रिया है। वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करते हैं तब उसके उसका अरेस्ट होगा, बिना वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करे तो अरेस्ट नहीं होगा। अब 73(1) में कहा जा रहा है कि वारंट ऑफ अरेस्ट के सिलसिले में कि पहले तो एक नोटिस दिया जाए कि आप मेरे समक्ष आइए और शो कॉज करिए, आपको प्रिजन में क्यों ना भेज दिया जाए, और उसके बाद अगर संतुष्ट होते हैं टीआरओ कि वो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली ट्रांसफर, कंसील या रिमूव कर रहा है, या फिर उसको रिफ्यूज कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है पेमेंट करने से, या उसने कर दिया है, तो वारंट तब दिया जा सकता है जब उसको वो अपियर भी नहीं हो रहा। वेयर अपियरेंस इज नॉट मेड, उसका 3A, 3A कहता है वारंट ऑफ अरेस्ट इशूड बाय टी आर ओ अंडर सब रूल 2 और सब रूल 3 मे ऑल्सो बी एग्जीक्यूटेड बाय एनी अदर टी आर ओ। वो जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो कोई और टी आर ओ भी उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, विद इन हुज ज्यूरिसडिक्शन द डिफॉल्टर मे फॉर द टाइम बींग बी फाउंड, जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो जो डिफॉल्टर है वो टाइम बींग के लिए पाया जा रहा है। तो डिफॉल्टर अगर किसी के ज्यूरिसडिक्शन में पाया जाता है, वो टी आर ओ भी उस वारंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और 4 में कहा गया कि एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड इन परसुएंस ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट अंडर दिस रूल शैल बी ब्रॉट बिफोर द टी आर ओ। हर वैसा व्यक्ति जो उसको अरेस्ट किया गया है वारंट ऑफ अरेस्ट के परसुएंस में इस रूल के अंतर्गत, उसको लाया जाएगा टी आर ओ के समक्ष, इशूइंग द वारंट, जो टी आर ओ ने वारंट को इशू किया था
उसके समक्ष लाया जाएगा एज सून एज प्रैक्टिकेबल, जितना जल्दी वो प्रैक्टिकेबल होगा, एंड इन एनी इवेंट विद इन 24 आवर्स ऑफ इज अरेस्ट, और किसी भी हालत में अरेस्ट के 24 घंटे के भीतर उसको लाया ही जाएगा टीआरओ के समक्ष, एक्सक्लूसिव ऑफ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द जर्नी। इसमें वो टाइम हटा दिया जाएगा जो जर्नी का टाइम है, 24 घंटे में टीआरओ के समक्ष उसको लाया ही जाएगा, प्रोवाइडेड दैट इफ द डिफॉल्टर पेज द अमाउंट एंटर्ड इन ए वारंट ऑफ अरेस्ट एज ड्यू। जो भी अमाउंट मेंशन्ड है वारंट ऑफ अरेस्ट में कि वो ड्यू है, अगर उसका पेमेंट कर देता है और अरेस्ट के कॉस्ट को भी पेमेंट कर देता है उस ऑफिसर को जो उसको अरेस्ट कर रहा है, सच ऑफिसर शैल एट वंस रिलीज हिम, वैसे ऑफिसर उसको तुरंत रिलीज कर दें। And for the purpose of this rule, where the defaulter is a HUF, the karta thereof shall be deemed to be the defaulter. जो करता है उसे उन्हें डिफॉल्टर माना जाए, अगर HUF का केस है तो, यानी कि अगर अरेस्ट करना है तो करता का अरेस्ट उस केस में होगा, उनके मेंबर का नहीं होगा। अब ये जो 73 सेक्शन है, रूल है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए सबसे पहले 73(1) में का क्या कहा गया कि सबसे पहले एक आपको शो कॉज देना है, टीआरओ के द्वारा एक शो कॉज नोटिस इशू किया जाएगा डिफॉल्टर को, और उससे कहा जाएगा कि मेरे समक्ष आइए, अपियर बिफोर हिम, उस तारीख को जो उसमें स्पेसिफाई की जाएगी, और आइए और कॉज शो करिए कि क्यों आपको सिविल प्रिजन में कमिट ना कर दिया जाए। और ऐसा करने के बाद टीआरओ तब अरेस्ट करेंगे, ऑर्डर ऑफ अरेस्ट यानी जो वारंट ऑफ अरेस्ट है वो तब करेंगे जब इस बात से सेटिस्फाई हो जो डिफॉल्टर है उसका ऑब्जेक्ट या इफेक्ट ये है कि सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए वो डिसऑनेस्टली ट्रांसफर उसने कर दी है, सर्टिफिकेट को ड्रॉ करने के बाद उसने ट्रांसफर कर दिए, कंसील कर दिया, रिमूव कर दी कोई भी प्रॉपर्टी के पार्ट सर्टिफिकेट के ड्रॉ करने के बाद, यानी सर्टिफिकेट के ड्रॉ होने से पहले अगर कर दिया है तब ये अप्लाई नहीं करेगा तो डिफॉल्टर। दूसरा बात ये कि वो टीआरओ को संतुष्ट होना चाहिए इस बात से कि डिफॉल्टर जब से सर्टिफिकेट ड्रॉ हुआ है तो वो उसके पास मींस भी हैं, संसाधन है, फिर भी रिफ्यूज़ कर रहा है, निगलेक्ट कर रहा है पेमेंट करने से, तो इन दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड, दोनों में से किसी भी कंडीशन से सेटिस्फाई होने पर टीआरओ वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं। और कब टीआरओ वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं? टीआरओ तब भी वारंट ऑफ अरेस्ट कर सकते हैं जब वो उसका ऑब्जेक्ट या इफेक्ट है डिले करना सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन को, उसके लिए एब्सकॉन्ड कर रहा है, भगोड़ा हो रहा है वो, या लोकल लिमिट्स को छोड़ के भाग जा रहा है, और उसके बाद अगर वो नोटिस के रिस्पांस में आता ही नहीं है तो भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू कर सकता है। जो भी वारंट ऑफ अरेस्ट इशू करेंगे वो दूसरे टीआरओ जिसके ज्यूरिसडिक्शन में वो पाया जा रहा है डिफॉल्टर, वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और जो भी पर्सन अरेस्ट कर रहा है वो उसको टीआरओ के समक्ष तुरंत लाएगा जिसने भी इशू किया होगा वारंट, और जितना प्रैक्टिकेबल हो जल्दी से जल्दी, और चाहे कुछ भी हो 24 घंटे से पहले तो लाना ही है, जिसमें वो टाइम और जर्नी एक्सक्लूड करी जाएगी। अगर टाइम और जर्नी लेट से 3 दिन है, वो आदमी पकड़ा गया त्रिवेंद्रम में जबकि वो लखनऊ लाना है, तो जो अगर 3 दिन का समय टाइम लग रहा है जर्नी में, जो भी जर्नी का टाइम है वो माइनस करके 24 घंटे का टाइम दिया जा रहा है टीआरओ के समक्ष पेश करने की। तो इस प्रकार से ये पावर है 73 रूल में अरेस्ट एंड डिटेंशन, और आपने देखा कि किन किन कंडीशन वारंट ऑफ ऑथराइजेशन दिया जा सकता है। और 74 में आते हैं, व्हेन अ डिफॉल्टर अपीयर्स बिफोर द टीआरओ इन ओबीडियंस टू अ नोटिस टू शो कॉज और इज ब्रॉट बिफोर द टीआरओ अंडर रूल 73, the tax recovery officer shall give the defaulter an opportunity of showing cause why he should not be committed to the civil prison. जब भी defaulter या तो appear करता है TRO के समक्ष notice के obedience में, जो show cause notice था, या उसे TRO के समक्ष लाया जाता है under rule 73, arrest करके जैसे लाया जाता है उसको, तो TRO एक मौका देंगे defaulter को, एक opportunity देंगे कि वो cause show करे कि क्यों उसको कमिट नहीं किया जाना चाहिए सिविल प्रिजन। और 75 में कहा जा रहा है कि पेंडिंग द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी
The TRO may, in his discretion, order the defaulter to be detained in the custody of such officer. और जब तक की इंक्वायरी चल रही है, TRO के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो ऑर्डर कर सकते हैं कि डिफॉल्टर को ऐसे ऑफिसर की कस्टडी में डिटेन कर दिया जाए जिसको कि टैक्स रिकवरी ऑफिसर फिट समझते हैं, या वो उसको रिलीज कर दें एक सिक्योरिटी को फर्निश कर करवा के, जो कि जो सिक्योरिटी TRO के सेटिस्फैक्शन पे हो, फॉर हिज अपीयरेंस, उसके अपीयरेंस के लिए व्हेन रिक्वायर्ड, जब भी ये ज़रूरत हो। यानी वो पर्सन TRO के समक्ष आया नोटिस के जवाब में, या उनके सामने पेश किया गया अरेस्ट करके। अब TRO के पास ये डिस्क्रिशन है कि वो इंक्वायरी कर रहे हैं, तो इंक्वायरी के जब तक पेंडिंग है इंक्वायरी कि भाई उससे आप पूछ रहे हैं कि क्यों ना आपको सिविल प्रिजन में भेजा जाए, पेंडिंग द इंक्वायरी उसके उसके डिटेंशन को किसी ऑफिसर की कस्टडी में दिया जा सकता है जो भी फिट समझते हैं TRO, जैसा कि फिट समझते हैं TRO, या उसको रिलीज किया जा सकता है उसके सिक्योरिटी फर्निश करने पे, जो सिक्योरिटी TRO के सेटिस्फैक्शन पे उसको फर्निश की जाएगी उसके अपीयरेंस के लिए, फॉर हिज अपीयरेंस, वेन एवर रिक्वायर्ड, जब भी जरूरत हो। और एक तरह से ये हुआ कि जैसे किसी की बेल हो जाती है तो जो लोअर कोर्ट है वो सिक्योरिटी फर्निश करवा के उसको रिलीज कर सकता है, तो यहाँ पे उसको हाई कोर्ट नहीं जाना पड़ा, ऑटोमेटिकली बेलेबल है TRO, उसको TRO के लेवल पे TRO को एक तरह का डायरेक्शन है कि या तो उसको वो अरेस्ट कर लें, उनको डिस्क्रिशन है, राधर डायरेक्शन की जगह पे कहा जाएगा डिस्क्रिशन है, या तो उनको किसी ऑफिसर की कस्टडी में दे दें या उनको रिलीज कर दें सिक्योरिटी के फर्निश कर दें, क्योंकि अभी इंक्वायरी चल रही है। जब तक इंक्वायरी चल रही है तो उसको प्रिजन में तो नहीं भेज सकते, क्योंकि किसी बात की इंक्वायरी चल रही है, उनको प्रिजन में क्यों ना भेजा जाए। उसके बाद 76 है, 76(1) ये कहता है कि अपॉन द कंक्लूजन ऑफ द इंक्वायरी, जब इंक्वायरी कंक्लूड हो जाती है, TRO मे मेक एन ऑर्डर फॉर द डिटेंशन ऑफ द डिफॉल्टर, तब TRO ऑर्डर कर सकते हैं डिफॉल्टर के डिटेंशन के लिए सिविल प्रिजन में, एंड शैल इन दैट इवेंट कॉज हिम टू बी अरेस्टेड, और उस इवेंट में उसको अरेस्ट करवाएंगे इफ ही इज नॉट ऑलरेडी अंडर अरेस्ट, अगर वो केवल पेश हुआ था और अरेस्ट नहीं हुआ है तो उनको अरेस्ट करवाएंगे, अगर वो उसका डिटेंशन ऑर्डर कर रहे हैं वो डिफॉल्टर का सिविल प्रिजन में, प्रोवाइडेड दैट इन ऑर्डर टू गिव द डिफॉल्टर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ सेटिस्फाइंग द एरियर्स, इसलिए कि डिफॉल्टर को एक मौका देने के लिए कि वो एरियर्स को सेटिस्फाई कर दें, द TRO मे बिफोर मेकिंग द ऑर्डर ऑफ डिटेंशन लीव द डिफॉल्टर इन द कस्टडी ऑफ द ऑफिसर, डिफॉल्टर को एक मौका देने के लिए कि वो एरियर्स को सेटिस्फाई कर दे, अल्टीमेट एम क्या है कि एरियर्स को सेटिस्फाई कर दे। TRO ये भी कर सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ डिटेंशन करने से पहले वो डिफॉल्टर को छोड़ देंगे एक ऐसे ऑफिसर की कस्टडी में जो उसको अरेस्ट कर, जिसने उसको अरेस्ट किया है, और ऑफ एनी अदर ऑफिसर, या किसी और ऑफिसर की कस्टडी में छोड़ देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए जो कि 15 दिन से ज़्यादा का नहीं होगा, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, या उसको रिलीज कर देंगे ऑन इज फर्निशिंग सिक्योरिटी टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द TRO फॉर हिज अपियरेंस एट द एक्सपीरेशन ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड, कि जिससे वो अपियर हो उस स्पेसिफाइड पीरियड के एक्सपायर होने के बाद, इफ द एरियर्स आर नॉट सो सेटिस्फाइड, अगर एरियर सेटिस्फाइड ना हो, एरियर अगर सेटिस्फाई हो जाते हैं देन ही नीड नॉट अपियर बिफोर द TRO, बिकॉज TRO इज देयर टू कलेक्ट द टैक्स। वेन द TRO डज नॉट मेक एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सब रूल 1, He shall, if the defaulter is under arrest, direct his release. या तो उसका वो ऑर्डर करना है डिटेंशन, और अगर डिटेंशन का ऑर्डर नहीं कर रहे हैं तो उनको किसी ऑफिसर की कस्टडी में छोड़ देंगे जिससे कि वो उससे एरियाज को सेटिस्फाई किया जा सके, या किसी और ऑफिसर की कस्टडी में छोड़ देंगे एक स्पेसिफाइड पीरियड के लिए। पीरियड स्पेसिफाई करना पड़ेगा पहले से ही कि कितने पीरियड के लिए वो उस ऑफिसर की कस्टडी में उनको भेज रहे हैं, जो कि 15 दिन से ज़्यादा का पीरियड नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग 15 डेज, 15 दिन हो सकता है, 15 से ज़्यादा नहीं हो सकता। और अगर एरियर सेटिस्फाई नहीं होते तो उनको दोबारा आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
76(2) में कहा जा रहा है व्हेन द टीआरओ डज नॉट मेक एन ऑर्डर, अगर वो डिटेंशन का ऑर्डर नहीं करते हैं तो उस केस में वो उसको रिलीज करेंगे, डायरेक्ट हिज रिलीज, वो करना ही पड़ेगा रिलीज। तो डिटेंशन के ऑर्डर में ये बात भी शामिल है, इसमें ये थोड़ा बात आ सकती है, थोड़ा सा डाउट आ सकता है कि जब इसमें ये लिखना चाहिए कि व्हेन द टीआरओ डज नॉट मेक एन ऑर्डर ऑफ डिटेंशन अंडर सब रूल 1 और एन ऑर्डर ऑफ लीविंग द डिफॉल्टर इन कस्टडी ऑफ द ऑफिसर अंडर फर्स्ट प्रोविजो ऑफ सब रूल 1, तो इन दोनों कंडीशंस में अगर नहीं कोई दोनों में से कोई भी ऑर्डर अगर नहीं हुआ देन ही शैल ऑर्डर इज रिलीज, डायरेक्ट इज रिलीज। 77 में कहा जा रहा है कि 77(1) में कहा जा रहा है कि एवरी पर्सन हु इज डिटेन्ड इन द सिविल प्रिजन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ सर्टिफिकेट मे बी सो डिटेन्ड वेयर द सर्टिफिकेट इज फॉर अ डिमांड ऑफ एन अमाउंट एक्सीडिंग 250 रुपीज फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जिस व्यक्ति को भी सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा रहा है सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में, इन एग्जीक्यूशन ऑफ ए सर्टिफिकेट, तो ये डिटेंशन भी सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन का भी एक मोड है। सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में जब उसको सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा रहा है तो अगर उसने सर्टिफिकेट जहां पर जो सर्टिफिकेट है वो ऐसी 250 रुपए की डिमांड से ज्यादा का सर्टिफिकेट है तो उसको डिटेन किया जा सकता है 6 महीने के पीरियड के लिए, ये भी सो डिटेन फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स नहीं है, फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड इन एनी अदर केस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 वीक्स। और अगर 250 अगर डिमांड 250 से ज़्यादा है तो 6 महीने के लिए डिटेन किया जा सकता है, और अगर 250 से कम है तो 6 हफ्ते के लिए डिटेन किया जा सकता है। प्रोवाइडेड दैट ही शैल बी रिलीज फ्रॉम सच डिटेंशन एंड द अमाउंट मेंशन्ड इन द वारंट फॉर डिटेंशन बी पेड टू द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द सिविल प्रिजन, बशर्ते उसको रिलीज कर दिया जाएगा डिटेंशन से जैसे ही वो राय कर देता है जो वारंट में मेंशनड है, उसके डिटेंशन के वारंट में जो मेंशनड है, अगर वो उसको पे कर देता है ऑफिसर इंचार्ज को सिविल प्रिजन के तो उसको रिलीज कर दिया जाएगा। और ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द टीआरओ या टीआरओ के रिक्वेस्ट पे, यानी टीआरओ अगर रिक्वेस्ट करते हैं उसको रिलीज कर दें तो भी रिलीज कर दिया जाएगा on any ground other than the grounds mentioned in rule 78 and 79. 78 and 79 ke alawa bhi agar koi ground mentioned hai TRO ke request mein to us ground par bhi usko release karna hi hai, na to payment kar de ya TRO request kare. A defaulter released from detention under this rule shall not merely by reason of his release be discharged from his liability for the area. Uska release ho jati hai to iska matlab ye nahi hai ये केवल महज उसके रिलीज से, उसको छोड़ देने से अब उसकी एरियर्स की लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो गया है, ऐसा नहीं है। बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द सर्टिफिकेट इन एग्जीक्यूशन ऑफ विच ही वाज डिटेन्ड इन सिविल प्रिजन, लेकिन उसको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता, यानी जो 6 महीने का अरेस्ट है मैक्सिमम, अगर वो एरियर्स नहीं रिलीज करता है तो उसको 6 महीने तक के लिए उसको अरेस्ट किया जा सकता है। बट ही शैल नॉट बी लायबल टू बी री अरेस्टेड अंडर द सर्टिफिकेट इन एग्जीक्यूशन, सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में उसको दोबारा अरेस्ट नहीं किया जा सकता जिस सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में उसको सिविल प्रिजन में पहले डिटेन किया गया रहा था। अब देखते हैं 78 और 79 में रिलीज के क्या प्रावधान है। 78 में कहा गया है कि द TRO मे ऑर्डर द रिलीज ऑफ ए डिफॉल्टर, TRO रिलीज ऑर्डर कर सकते हैं डिफॉल्टर की who has been arrested in the execution of a certificate upon being satisfied, ये इस बात से सेटिस्फाई हो के that he has disclosed the whole of his property, कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी का डिस्क्लोजर कर दिया है and has placed it at the disposal of the, और उस प्रॉपर्टी को उसने डिस्पोजल पे TRO के रख दिया है and that he has not committed any act of bad faith, और खराब आस्था का बुरी आस्था का कोई कार्य उसने नहीं किया है, उसकी आस्था TRO में है, उसकी आस्था लॉ में है, बुरी आस्था का कोई काम नहीं किया, उसके मन में कोई मंशा जो है वो खराब नहीं है,
जो भी प्रॉपर्टी थी उसके पास उसने डिस्क्लोज कर दी और टीआरओ के डिस्पोजल पे कर दिए। यदि इस बात का सेटिस्फेक्शन हो जाता है टीआरओ को तो उसका ऑर्डर वो रिलीज ऑर्डर ऑफ रिलीज कर सकता है। इफ द टीआरओ हैज ग्राउंड फॉर बिलीविंग द डिस्क्लोजर मेड बाय डिफॉल्टर अंडर सब रूल 1, 2, अनट्रू ही मे ऑर्डर द री अरेस्ट ऑफ द डिफॉल्टर इन एग्जीक्यूशन ऑफ द सर्टिफिकेट बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन शैल नॉट इन द एग्रीगेट एक्सीड दैट ऑथराइज्ड बाय रूल 77। अगर टीआरओ के पास ये आधार है, ये विश्वास करने का आधार है कि जो डिस्क्लोजर किया गया था डिफॉल्टर के द्वारा सब रूल 1 में वो असत्य था, वो असत्य रहा था, इस बात को अगर विश्वास करने के का आधार है तो वो रीअरेस्ट डिफॉल्टर का ऑर्डर कर सकते हैं सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन में। लेकिन कुल पीरियड जैसे 6 महीने का जो पीरियड है उसके बियॉन्ड उसको जेल में नहीं रखा जा सकता जो 77 रूल में दिया हुआ है। हाँ, अगर वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं कि उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी डिस्पोजल पे कर दी टीआरओ के तो रिलीज कर सकते, क्योंकि वो व्यक्ति कॉपरेट कर रहा हो, कह रहा है मेरे पास ये प्रॉपर्टी है आप उसको बेच लीजिए जो चेक कर लीजिए, अरेस्ट मत करिए। 79 रिलीज ऑन द ग्राउंड ऑफ इलनेस बीमारी के ग्राउंड पे छोड़ देना। At any time after a warrant for the arrest of a defaulter has been issued, the TRO may cancel it on the ground of serious illness. गंभीर बीमारी के ग्राउंड पे रिलीज किया जा सकता है डिफॉल्टर को। Where the defaulter has been arrested, और जहां डिफॉल्टर को अरेस्ट कर दिया गया रहा है, the TRO may release him if, in the opinion of the TRO, he is not in a fit state of health. TRO उसको रिलीज कर सकते हैं अगर TRO का मत यह है कि वो हेल्थ की फिट स्टेट में नहीं है, जिस हेल्थ में उनको डिटेन किया जा सके सिविल प्रिजन। ही इज नॉट इन ए फिट स्टेट ऑफ हेल्थ टू बी डिटेन, यानी इनफ पर्याप्त फिट में स्टेट में नहीं है कि उनको सिविल प्रिजन में डिटेन किया जा सके, यानी उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं है कि सिविल प्रिजन में उनको डिटेन किया जा सके, सिविल प्रिजन उनको हो सकता है कहीं मौत की तरफ ना ले जाए। उनकी हेल्थ इतनी खराब है कि सिविल प्रिजन में अगर रहे तो और बुरी हो सकती है। जहां पर टीआरओ का मत ऐसा है तो वो उसको रिलीज कर सकते हैं। वेयर अ डिफॉल्टर हैज बीन कमिटेड टू द सिविल प्रिजन, और जहां पे सिविल प्रिजन में उसको कमिट कर दिया गया रहा है, ही मे बी रिलीज देयर फ्रॉम, वहां से भी उनको रिलीज किया जा सकता है टीआरओ के द्वारा, ऑन द ग्राउंड ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी इन्फेक्शस और कंटेजियस डिजीज, इस आधार पे कि मौजूद है वहां पर कोई ऐसी डिजीज जो इन्फेक्शस है, जो संक्रमण करती है और कंटेजियस है, जो एक व्यक्ति से कांटेक्ट में आने से दूसरे के पास चली जाएगी, और ऑन द ग्राउंड ऑफ इज सफरिंग फ्रॉम एनी सीरियस या इस आधार पे कि वो कोई गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, गंभीर बीमारी को सफर कर रहे हैं वो, इस ग्राउंड पर भी उनको रिलीज किया जा सकता। 4 है 79(4), अ डिफॉल्टर हू इज रिलीज्ड अंडर दिस रूल मे बी रीअरेस्ट, जिस डिफॉल्टर को इस रूल के तहत अरेस्ट किया जाता है, रिलीज किया जाता है, उन्हें रीअरेस्ट भी किया जा सकता है, बट द पीरियड ऑफ हिज डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन शैल नॉट इन द एग्रीगेट एक्सीड दैट ऑथराइज्ड बाय सब रूल 77। मान ली उनकी तबीयत ठीक हो गई, एक बार उनकी तबीयत ठीक हो गई तो उनको फिर से अरेस्ट कर सकते हैं अगर टैक्स का पेमेंट वो नहीं कर रहे, और रूल 80 कहता है एंट्री इनटू अ ड्वेलिंग हाउस, कोई रिहायशी घर में एंट्री करना, फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग अरेस्ट अंडर दिस शेड्यूल नो ड्वेलिंग हाउस शैल बी एंटर्ड आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज, किसी घर में किसी को अरेस्ट करने के लिए सनसेट के बाद या सनराइज के पहले प्रवेश नहीं किया जाएगा। नो आउटडोर आउटर डोर ऑफ अ ड्वेलिंग हाउस शैल बी ब्रोकन ओपन, किसी घर का बाहर का दरवाजा खोलने के लिए तोड़ा नहीं जाएगा, अनलेस सच ड्वेलिंग हाउस और ए पोर्शन थेरऑफ इज इन ऑक्यूपेंसी ऑफ द डिफॉल्टर, जब तक कि वो जो घर है वो डिफॉल्टर की ऑक्यूपेंसी में ना हो, एंड ही और अदर ऑक्यूपेंट ऑफ द हाउस रिफ्यूजेस, और वो या दूसरे ऑक्यूपेंट जो हैं घर के रिफ्यूज कर देते हैं या किसी तरह से प्रिवेंट करते हैं उसमें अंदर प्रवेश करने के, और इन एनी वे प्रिवेंट्स एक्सेस देयर टू,
But when the person executing any such warrant has duly gained access to any dwelling house, लेकिन जब कोई person जो warrant को execute कर रहा है वो due तरीके से जो जायज तरीके से वो gain कर लेता है access किसी भी घर में, he may break open the door of any room, वो किसी भी room का दरवाज़ा तोड़ सकता है या apartment का दरवाज़ा तोड़ सकता है, if he has घर के अंदर जो कमरे होते हैं उनको भी उनको अपार्टमेंट कहा जा रहा है, यहाँ पे अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ सकता है। ये अपार्टमेंट वो नहीं है जैसे किसी फ्लैट का अपार्टमेंट है, ये अपार्टमेंट घर के ड्वेलिंग हाउस के अंदर का जो अपार्टमेंट है उसकी बात की जा रही है। इफ ही हैज रीजन टू बिलीव, अगर उसके पास विश्वास करने के कारण है दैट द डिफॉल्टर इज लाइकली टू बी फाउंड देयर, कि डिफॉल्टर के लिए ये संभावना है कि वो वहां पाया जाएगा, अगर ये संभावना है कि वहां पाया जाएगा तो अंदर का किसी कमरे का दरवाजा वो तोड़ सकता है या अपार्टमेंट का दरवाजा तोड़ सकता है। वहां भी उसको ठोस कारण चाहिए, रीजन टू बिलीव होना चाहिए, संदेह पे नहीं तोड़ सकता किसी भी अंदर के कमरे का दरवाजा, उसके लिए भी ठोस कोई आवाज आ रही है उसकी इस टाइप से, जो आदमी की आवाज है उससे मिलती जुलती आवाज लग रही है, कोई दूसरा कह रहा हाँ वही है करके, एक रीजन टू बिलीव सॉलिड होना चाहिए अगर अंदर का दरवाजा तोड़ना है तो। सी है, नो रूम विच इज इन द एक्चुअल ऑक्यूपेंसी ऑफ अ वुमन, कोई भी ऐसा कमरा जो कि किसी महिला के असल ऑक्यूपेंसी में हो, हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स ऑफ द कंट्री डज नॉट अपियर इन पब्लिक, जो देश के कस्टम्स देश के रीतियों के हिसाब से पब्लिक में अपियर नहीं करती है, शैल बी एंटर्ड इन टू, ऐसा रूम एंट्री नहीं की जाएगी अनलेस, जब तक कि ऐसा ना हो कि ऑफिसर हु इज ऑथराइज्ड टू मेक द अरेस्ट हैज गिवन नोटिस टू हर, ऑथराइज्ड ऑफिसर ने उसको नोटिस दे दिया है, उसको सूचना दे दी है, उसको उसका ध्यान आकर्षित कर दिया है कि शी इज एट लिबर्टी टू विड्रॉ, कि वो फ्री है कि वहां से हट जाए विड्रॉ कर ले, एंड हैज गिवन हर रीजनेबल टाइम, और उसको रीजनेबल टाइम भी दे दिया है एंड फैसिलिटी और सहूलियत भी दे दी है विड्रॉ करने की। यानी अगर कोई कमरा किसी औरत के ऑक्यूपेंसी में है, किसी महिला के ऑक्यूपेंसी में है, एक्चुअल ऑक्यूपेंसी में है, यानी कि केवल उसके कपड़े वपड़े वहाँ नहीं है या सामान वहाँ नहीं है, वो खुद भी वहाँ पे है और रीतियों के हिसाब से वो पब्लिक में अपीयर नहीं करती है, तो वहाँ उस कमरे में अगर प्रवेश करना है तो जो ऑफिसर ऑथराइज्ड है अरेस्ट करने के लिए वो पहले उसको नोटिस देगा और उसके बाद उसको लिबर्टी देगा विड्रॉ करने की, और उसके बाद रीजनेबल उसको टाइम देगा और उसको रीजनेबल फैसिलिटी देगा फॉर विड्रॉइंग, उसके बाद ही वो प्रवेश कर सकता है। और 81 में कहा जा रहा है कि प्रोहिबिशन अगेंस्ट अरेस्ट ऑफ वुमेन और माइनर्स, द TRO शैल नॉट ऑर्डर द अरेस्ट एंड डिटेंशन इन द सिविल प्रिजन ऑफ वुमन, एक औरत के अरेस्ट को या डिटेंशन को ऑर्डर नहीं करेंगे, और एनी पर्सन हु इन हिज ओपिनियन इज अ माइनर, या किसी ऐसे पर्सन के अरेस्ट या डिटेंशन को वो ऑर्डर नहीं करेंगे जो उनके ओपिनियन में एक माइनर है या उनके ओपिनियन में अनसाउंड माइंड का पर्सन है, उनको भी वो अरेस्ट, एक बार उनका ओपिनियन ये हो जाता है कि अनसाउंड माइंड का पर्सन है तो उसको भी अरेस्ट नहीं करेंगे, वुमन को भी अरेस्ट नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही हमारा रूल 81 खत्म हो गया और पार्ट 3 हमने कंप्लीट कर लिया। वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार।